ग्राफ कोतवाली पुलिस ने नकली सोने को असली सोने के नाम पर गिरवी रखकर ठगी करने वालों को पकड़ा है। आरोपियों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। आरोपियों ने अलग अलग ज्वेलरी शॉप और बैंकों से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने गिरवी रखे नकली सोने के जेवरात को बरामद किया। दरअसल बीते दिनों शहर के पारस ज्वेलर्स और गहना ज्वेलर्स में एक महिला और एक पुरुष सोना गिरवी रखने पहुंचे, जहां उन्होंने सोने को अपने घर का बताते हुए पैसे की जरूरत पड़ने पर गहने गिरवी रखना बताया था। गिरवी के बाद जब व्यापारी ने सोने की जांच की तो सोना ऊपरी तौर पर तो असली था मगर अंदर तांबा निकला। इसके बाद ज्वेलर संचालकों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की गई है। एक व्यक्ति और एक महिला ने सोना गिरवी रखा था, बाद मालूम चला कि वो सोना जो है नकली है और इनके द्वारा यह कह के कि असली सोना है, उसमें हॉल मार्क्स लगा हुआ है और करीब 8 लाख रुपए की उनके द्वारा ठगी की गई थी। ठगी के करने के बाद में दोनों जो है फरार हो गए थे, जिनको हमने बंटी बबली कहा है और हमारा कहीं से भी सहयोग भी नहीं हो पा रहा है। 2 दिन हो गए हमको यहाँ बिठा दिए और पेश भी नहीं कर रहे हैं कहीं पर है, कोई भी हमने ठगी नहीं किया है। उन्होंने अपने घर का सामान दिया था जो कि असली था और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। जो भी ये 420 का चीजें हैं वो उनके तरफ से जानबूझकर की जा रही है हमारा सामान हड़पने के लिए। चीजें हुआ और उन्होंने गलत FIR मेरे खिलाफ लिखवा दिया, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है कहीं। जी जी, वो मिले हुए हैं, वो बिल्कुल मिले हुए हैं। वो बहती गंगा में दूसरा वाला भी अपना हाथ धो रहा है, वो मिले हुए हैं। ठीक है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं सिंगल मदर हूँ, छोटा सा मेरा बच्चा है, उसका एजुकेशन जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ 2 दिन से मुझे बैठा के रखा गया, मैं बहुत परेशान, मेरे को सबने करके रखा। बीजापुर में जादू